अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे चना आलू चाट, जो बहुत ही इजी और चटपटी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम काबुली चना ले लिया है। इसे ओवरनाइट के लिए भिगा कर रख लिया है, ये फूल गए हैं। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। पानी ऐड कर लेंगे 1 ग्लास। इसमें चाय की पत्ती आप चाहे तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, एक क्लॉथ में डालकर पोटली बनाकर। मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ। एक पैन में मैं यहाँ पर 1 ग्लास पानी और चाय की पत्ती ऐड कर बॉयल आने तक छोड़ दे रही हूँ। ये देखें, बॉयल आ चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और ये पानी को हम चने में ऐड कर देंगे। इससे जो चने का कलर है डार्क हो जाएगा और वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। नमक ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हम इसे बॉईल कर लेंगे 4 से 5 सीटी आने तक। ये देखिए, चेक कर लें। अब चना अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। आलू मैंने यहाँ पर 2 से 3 ले लिया है। पील ऑफ करके इसके पीसेस बना लिया है छोटे छोटे। ये देखें, अब हम इसे भी पानी में ऐड करेंगे। पानी ऐड कर लेंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे पानी से। प्याज ले लिया है 1 बारीक कटी हुई और हरी मिर्च ले लिया है। टमाटर इसे भी मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से। ये तो आलू है जो बॉईल कर लिया था हमने। कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। प्याज और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। इसे 2 मिनट्स के लिए सॉटे कर लेंगे। टमाटर ऐड कर लेंगे इसमें। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। नमक ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। ऑलरेडी हमने चने में नमक ऐड कर लिया है, उस हिसाब से आप ऐड करें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लें। ये देखें, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। चाट मसाला ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पर चना ऐड कर लेंगे बॉईल करे हुए। मिक्स कर लेंगे। आलू ऐड कर लेंगे बॉईल करे हुए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इमली को मैंने यहाँ पर भिगा कर रख लिया था। अब हम इसका पानी ऐड कर लेंगे इमली का। आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना आपको खट्टा चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त से चाट रेडी है। इसे गार्निश कर लें प्याज से और हरे धनिए से। झटपट से बनकर रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बहुत ही इजी है। न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। आपको भी बहुत पसंद आएगी, एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।